दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे SS Tech Knowledge चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आया हूं। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो घड़ी है उस घड़ी के पीछे आप अपना कोई भी फाइल है, आप अपना वीडियो फोटो या कोई भी फाइल हो उसके पीछे आप छुपा सकते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगेगा कि इस घड़ी के पीछे आपने कुछ छुपाया है। तो दोस्तों इस ट्रिक के बारे में जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा ये दोस्तों कि मैं डेली नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ ऐसे ट्रिक वाली और टेक्नोलॉजी वाली, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा जिससे होगा कि आप मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। इस ट्रिक को जानने के लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो चलिए हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं अपना। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद इसमें हम लिखेंगे टाइमर लॉक। इस एप्लीकेशन का नाम है टाइमर लॉक फोटो वीडियो हाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है। ये केवल 5.9 MB की एप्लीकेशन है और 4.5 की इसकी रेटिंग है। इसको 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इसका आइकन ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आप गलती से कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर लें। चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत छोटी एप्लीकेशन है, ये जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। खैर मेरा यहाँ नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर नेटवर्क सही होता तो ये जल्दी ही डाउनलोड हो जाता। चलिए इसको डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को मैं इसके बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रैंड परमिशन के लिए बोल रहा है, हम इसको परमिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसको हम इनेबल कर देते हैं और हम एक बार बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम इसको एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रैंड परमिशन बोल रहा है, इसको हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसमें कुछ लिख देते हैं जैसे माई नेम इज शिवम और हम सेव एंड स्टार्ट ओके कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिकवरी ईमेल मांग रहा है, हम यहाँ पे रिकवरी ईमेल डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है, नीचे लिखा था प्लीज सेट पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड को सेट कर देंगे। पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे जो बीच में एक घड़ी का जो बीचों बीच है वहाँ पे हम बीचों बीच हमें यहाँ टैप करना है। उससे पहले हमें इसको सेट कर लेते हैं घड़ी को। यहाँ पे हमने मान लीजिए 12:30 किया और इसको हमने बीच में ओके कर दिया। यहाँ पे प्लीज रीसेट योर टाइम, हमें दोबारा से टाइम को रीसेट करना है ताकि कन्फर्म हो जाए। हमने ये देखिए हमारा ये सेट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड सिंपली इंटर ए टाइम 10:10। कभी भी हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस घड़ी में हम 10:10 लिखेंगे और रिकवरी क्वेश्चन जो हमने लिखा था माय नेम इज शिवम वो डाल देंगे तो हमारा पासवर्ड जो है फिर से रिकवरी हो जाएगा। चलिए हम ओके कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पिक्चर्स वीडियो फाइल्स, यहाँ पे देखिए हम पिक्चर्स को वीडियो को फाइल्स को हम सिंपली हाइड कर सकते हैं घड़ी के पीछे। इसके लिए हमें यहाँ पे प्लस जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। चलिए हम वीडियोज में चलते हैं, यहाँ से सिंपली हम कोई फाइल ले लेते हैं।
जो 100 लिखा हुआ है इसी को हम हाइड कर देते हैं, इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद दोबारा से हम इसको टिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक कंडीशन बना हुआ है, यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए हमारा ये लॉक हो रहा है। जितनी बड़ी फाइल होगी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा छोटी फाइल होगी या कोई फोटोज होगा तो उसमें कम टाइम लगेगा और सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं ये लॉक होने वाला है। देखिए दोस्तों ये हमारा लॉक हो चुका है, लॉक होके यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। चलिए हम एक बार फिर से उसी वीडियो फाइल में चलते हैं, देखते हैं कि ये है कि नहीं। वहाँ पे प्लस के निशान चलते हैं, वीडियो में चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप गौर करेंगे कि जो 100 लिखा हुआ था वो फोल्डर का नाम वो आपको यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपको हम उस घड़ी को पहले ओपन करके दिखाते हैं कि हमारे स्क्रीन पे वो घड़ी कैसा दिखेगा। इसके लिए हम बैक आ जाते हैं। चलिए हम उस घड़ी को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक घड़ी है, सिंपली देखने में एक सिंपल सी घड़ी दिख रही है। मान लीजिए आपका दोस्त या कोई भी इस घड़ी को अगर टच करता है ऐसे नॉर्मली तो एक सिंपल सी एक घड़ी की तरह यहाँ पे शो होगी। लेकिन दोस्तों अगर उस फाइल को आपको यदि देखना है तो क्या करना पड़ेगा, घड़ी के बीचों बीच देखिए यहाँ पे हमें टैप करना है। जैसे टैप करेंगे ये हमें हमारा जो पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया था उसको हमें डालने के लिए ये बोलेगा। हमने इसमें पासवर्ड डाला था 12:30 पे, इसको हम घड़ी को घुमा देते हैं 12:30 और बीचों बीच यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पे टैप कर लेते हैं। जैसे ही टैप करेंगे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा घड़ी यहाँ पे खुल गया है और इसके पीछे में देखिए जो हमने छुपाया था वीडियो को ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हमने छुपाया था, ये शो हो रहा है। हम चाहे तो इसको प्ले करके हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी फोल्डर को चाहे वीडियो हो या फोटो हो या कोई फाइल हो इस तरह से आप उसको छुपा सकते हैं और इसकी भनक किसी को नहीं लगेगी। तो देखा दोस्तों आपने कितना एप्लीकेशन, कितना अच्छा ट्रिक था अपने फ़ोटो और फाइल को छुपाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए।